फ्रेंड्स आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फ्लिपकार्ट की सेल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता होगा दिवाली के बाद अभी तक फ्लिपकार्ट की कोई सेल नहीं आई है और अब जो ये सेल स्टार्ट होने जा रही है दोस्तों, इसमें फ्लिपकार्ट ने इसका नाम रखा है फ्लिपकार्ट बिग सेविंग सेल। दोस्तों इस सेल में आप जरूर पार्टिसिपेट करें। अगर आप एक मोबाइल लेने जा रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देख लीजिए, क्योंकि किस मोबाइल पे क्या डिस्काउंट देखने को मिलेगा, सैमसंग का हो गया, चाहे रियलमी का हो गया, चाहे आईफोन हो गया, सब मोबाइल पे ने डिस्काउंट रखा गया है। पर्टिकुलर मैं मोबाइल के बारे में बताऊंगा किस मोबाइल पे क्या डिस्काउंट रखा गया है, कितना बैंक डिस्काउंट मिलेगा ये भी बात करेंगे इस वीडियो में, और क्या क्या ऑफर्स हैं इस सेल के अंदर सब कुछ बात करेंगे इस छोटी सी वीडियो में। क्या क्या इनने बेस्ट से बेस्ट रखा गया है या मैं आपको बताऊंगा। पर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है नए से नए अपडेट्स पाने के लिए, तो दोस्तों कर दीजिए, बिल्कुल भी वेट नहीं करें, हमारे चैनल पर नए से नए अपडेट्स आपको जल्दी देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो चलो अब बात करते हैं इस सेल की डेट क्या है। सबसे पहले डेट बात कर लेते हैं, तो 18 दिसंबर से सेल स्टार्ट होने जा रही है दोस्तों, जो कि 22 नवंबर मतलब 18 दिसंबर आज या कल से ये सेल स्टार्ट होने जा रही है दोस्तों। 22 दिसंबर तक मतलब 5 दिन के लिए सेल चलने वाली है। आपको अगर स्मार्टफोन लेना हो ना तो इस सेल को मिस मत करना दोस्तों, क्योंकि बहुत अच्छा ऑफर देखने को मिल रहा है। अब मैं बता दूं जो प्राइम यूजर्स हैं उनके लिए एक दिन पहले ये सेल स्टार्ट हो जाएगी, मतलब 17 दिसंबर की दिन में, मान लीजिए आप 17 दिसंबर में 12 o'clock से आप इस सेल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्राइम यूजर्स, जो प्राइम यूजर्स है ना फ्लिपकार्ट के, वो कर सकते हैं, और अदर जो रहेंगे जो नॉर्मल रहेंगे वो 18 तारीख की नाइट से मतलब 12 o'clock से बाद से आप इंजॉय कर सकते हैं, इस सेल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं। तो चलो अब बात करते हैं किस फोन पे क्या डिस्काउंट देखने को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रियलमी के स्मार्टफोन के बारे में, क्योंकि रियलमी का भी मार्केट में बहुत क्रेज चल रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं रियलमी 6i के बारे में दोस्तों। इस सेल में आपको रियलमी 6i की प्राइस देखने को मिलेगी 11,999 रुपीज में, आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। और मैं तो ये कहता हूं अगर आप 1,000-2,000 रुपीज और अगर आपने रेंज बढ़ाते हैं तो आपको और ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। वो कैसे, क्योंकि अगर आप रियलमी 6 लेते हैं 8GB वाला वेरियंट तो वो और अच्छा स्मार्टफोन है रियलमी 6i से, और यही स्मार्टफोन आपको 12,999 का देखने को मिलेगा। और अगर आप Realme Narzo 20 Pro लेते हैं तो दोस्तों और भी ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये फोन आपको 13,999 में मिलेगा, मतलब 1,000 का डिफरेंस है Realme के स्मार्टफोन में इन सेल के अंदर। दोस्तों अगर आप Realme का स्मार्टफोन लेने जा रहे हैं तो इन तीनों में से एक प्रीफर करके ले सकते हैं दोस्तों। अब चलो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं Samsung Galaxy F41 के बारे में दोस्तों। जी हाँ, आप सभी ने इस फोन का नाम जरूर सुना होगा क्योंकि ये फोन बहुत एक्सपेंसिव है। इसकी प्राइस क्या रहने वाली है सेल में मैं आपको बताता हूँ, पर मैं आपको बता दूं ये 6GB प्लस 128GB वाला स्टोरेज के साथ देखने को मिलेगा दोस्तों, जिसकी प्राइस रहने वाली है 1,54,999 रुपीज दोस्तों। ये तो हो गया Samsung Galaxy के बारे में। अब मैं बात करता हूँ LG के मोबाइल पे भी इन्हें एक सेल रख रखी है दोस्तों, पर उसके पहले अगर आप SBI का डेबिट कार्ड यूज करते हैं तो दोस्तों आपको और 10% एक्स्ट्रा बेनिफिट देखने को मिलेगा, मतलब 10% लेस हो जाएगा जितने का भी मोबाइल रहेगा दोस्तों। तो चलो ये हो गई बात, अब LG के बारे में बता देता हूँ। LG Z8X के बारे में आपने जरूर सुना होगा दोस्तों, इसकी जो वेरिएंट है 6GB प्लस 128GB, इसमें आपको स्टोरेज देखने को मिलता है, और इसकी जो प्राइस रहने वाली है सेल में वो रहने वाली है 27,990 रुपीज दोस्तों, आप देखने को मिलेगी। और अब कर लेते हैं ओप्पो रीनो 2F के बारे में दोस्तों। इस फोन की जो स्पेशल ये है कि आपको 6GB रैम के साथ ये 256GB स्टोरेज देते हैं। इस फोन में आपको ये स्टोरेज मिल रहा है, ये वेरिएंट मिल रहा है, इसी के साथ इसकी प्राइस बताऊं मैं आपको इस सेल की, तो ये 15,990 रुपीज का आपको देखने को मिल रहा है। ये तो हो गया ओप्पो का एक जो इन स्पेशल सेल में ऑफर रखा है। अब मैं बात कर लेता हूँ आईफोन के बारे में। आईफोन XR के आपने नाम जरूर सुना होगा, और ये फोन आपको इस सेल में आपको देखने को मिलता है 38,999 रुपीज का दोस्तों। आपको आई होप मैंने अच्छे अच्छे स्मार्टफोन के बारे में मैंने बता दिया, जो भी सेल में चल रहे हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना दोस्तों, और शेयर भी ज्यादा से ज्यादा करना दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।